हेलो दोस्तों, नमस्कार प्रणाम, आप सब कैसे हैं। हम लोग उम्मीद करते हैं दोस्तों आप एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम लोग भी बिल्कुल अच्छे हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो कुछ बहुत ज़्यादा खास बनाया हूँ आप लोग के लिए, जो आप लोग को एकदम अच्छा लगे। इस वीडियो में दो जगह गया था शादी में, टेंट में काम करने, वो सब दोनों जगह का एक ही वीडियो में डाला हूँ। और जो आप लोग को एकदम पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो एंड तक देखिए, और पसंद ना आए तो थोड़ा बहुत कमेंट करिए। तो ऐसे वीडियो बनाना बंद करेंगे, क्योंकि बहुत मेहनत किया हूँ कि हमारे YouTube फैमिली को अच्छा लगे। लेकिन अगर आप लोग को अच्छा ना लगे तो कमेंट में बताइएगा, फिर ऐसा ब्लॉग नहीं बनाएंगे। इसीलिए मैं शुरू भी नहीं किया था कि मैं ब्लॉग जब बनाऊंगा उसको देख लूँगा, मैं मेरे को अच्छा लगेगा तो YouTube फैमिली के पास शेयर करूँगा। फिर भी आप लोग से पहले ही बोल दिया कि दोस्तों अगर आप लोग को अच्छा ना लगे तो कमेंट में बताइएगा, फिर ऐसा ब्लॉग नहीं बनाएंगे। शादी ब्याह तो सब कोई देखना पसंद करता है, लेकिन हो सकता है इसीलिए पहले बोल दिया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो एंड तक देखिए, तब आप लोग कमेंट करिए कि सुनील जी ऐसे वीडियो मत बनाइए, हम लोग को पसंद नहीं है। तो फिर आगे से शादी ब्याह में जो भी काम करने जाऊंगा, तो क्योंकि टेंट में इतना बना बना के आपको दोस्तों मैं अपने चैनल से बोरिंग नहीं महसूस होने देना चाहता, इसलिए पहले ही पूछ लिया। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। चलो ना दे दे किलो भी और दे दो बढ़िया खाजी बेचना और पूरी दुगो पूरी पूरी ना खाए तो भैया के दे दे। कितना अच्छा सब्जी बा, ले लियो मांग लियो। ये खोल के दिखा दो लोग जाती लोग। आकाश कहाँ का है? अच्छा हम जा करते हैं।
चावल आकाश कितना पूरी खाए और पूरी लाऊं अपने अपने हाथ से मांग के सब खा लो दोस्तों। देख सकते हैं आज है नेक्स्ट साटा, जो कल था वो तो थोड़ा बहुत दिखाए हैं वीडियो में, और आज दोस्तों देख सकते हैं अभी कौन सी गांव आए हैं। नाम शायद आप नहीं सुने होंगे, तरकुला हाँ कोयला दाव हो सकता आप लोग सुने हो, तो वहां पर आए हैं साटा में। और इधर देखिए दोस्तों, अभी इधर जो खेत जोता होता गया है तो इसमें टेंट नहीं गिरा सकते, क्योंकि उसमें पूरा बिछाएंगे तो पूरा मिट्टी बैठ जाएगा, वो लोग मना किया है। तो जो खेत नहीं जोता है वहाँ तक तार पहुँचा रहे हैं। अभी देख सकते हैं दोस्तों कितना दूर है, कम से कम 150 मीटर तो होगा, मीटर किलोमीटर नहीं कह रहा, पूरा तार मेरा लग चुका है। अभी उधर लाइट लगाना बाकी है, थोड़ा बहुत रखा है, तो अभी पूरा अभी पहुँचा नहीं दोस्तों जहाँ पर बारात टिकेगा। तो अभी चलिए इसको यहीं पर होल्ड करता हूँ, तार तो बिछा दिया हूँ। और दोस्तों देख सकते अभी ट्रैक्टर पे ही जनरेटर है, इधर खेतों में जनरेटर खींच के ले जाना कितना बेकार काम है, नहीं तो एक जनरेटर वहीं पे उतार देंगे ट्रैक्टर पे से, और ट्रैक्टर पे दूसरा जनरेटर वहाँ पे ले जाकर पहुँचा देंगे ट्रैक्टर पे ही। थोड़ा दिक्कत होगा लेकिन तार बिछा देते तो एक चीज़ फ़ायदा होता, एक ही जनरेटर में काम हो जाता, नहीं तो दो दो जनरेटर चलाना पड़ेगा। तो डीजल के बचत के लिए थोड़ा बहुत इतना मेहनत करते हैं कि दोनों जनरेटर एक साथ रहेगा तो सही रहेगा। आ एक चीज़ और है कि दो जनरेटर एक जगह रहता है तो कोई भी अगर कहीं परेशानी हो एक जनरेटर में तो एक दूसरा वाला चालू कर सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए तार इधर बीच गया, उधर अभी लाइट लगाएंगे और उसके बाद घर में लाइट लगाएंगे। देख सकते दोस्तों यहाँ पर ट्रैक्टर में दोनों जनरेटर लिया कर रख दिए पेड़ों के पास।
Thank you.
बजट है, मोबाइल पर दिखाता नहीं।
देख सकते हो फाइनली लाइट और तारो सारा खुल गया। सुबह का 5:30 करीब हो रहा है, अभी पूरा नींद रात को भी पूरा हुआ नहीं। चलिए अभी जनरेटर पास पहुँचते हैं, थोड़ा वहाँ रेस्ट करेंगे, बाकी काम तो हो गया। और उसके बाद चलेंगे रूम पे, फिर नहा धोवा के फ्रेश होंगे। और 1.5 घंटा का यहाँ से सफ़र है जाने के लिए, तो चलिए अभी पहुँचते हैं। दोस्तों फाइनली तार और लाइट और सारा खोल दिए। हमारा कितना अजीब सी काम है दोस्तों, हर एक गांव में कहीं ना कहीं एक दिन हम लोग का ठिकाना हो जाता है। देख सकते हो अभी यहाँ पर रात भर लेटे हुए हैं, और बाकी सारा काम कोई ऐसा जगह नहीं कि वहाँ पर हम लोग का पैर गया ना हो। देखे होंगे कितना दूर तक तार बिछा के, कहाँ बारात टिकाए थे, कहाँ जनरेटर था, कहाँ क्या। तो कैसा लगा दोस्तों आपको ये सब काम, वीडियो बताइएगा कमेंट में। और दोस्तों चलिए अभी सब चीज़ हो गया, अब बाकी पाइप उधर वो लोग खोल रहे हैं, तो थोड़ा रेस्ट करके अभी चलते हैं। पाइप अभी लोड करवा देते हैं इस पर, कि थोड़ा टाइम से सब आदमी का छुटकारा मिल जाएगा, फिर जाके घर पे नहा धोवा कर फ्रेश होंगे। और दोस्तों कुछ और भी बातें करनी थी, वो जो घर पे जाके पहुँच के करेंगे नगांती चौहान जी के साथ। तो दोस्तों फाइनली एक चीज़ बताना था कि बातों से अगर समस्या हल हो जाता तो 10 आदमी बैठ के बगीचे में केवल बातों से ही समस्या हल किया जा कर लेते। और दोस्तों अभी देखिए कितना रिक्स में हम लोग आते हैं काम करने। अभी इधर घर में हल्ला हुआ था कि किसी का मोबाइल चोरी हो गया है, इसीलिए जब से इसके पहले वाला वीडियो में देखे होंगे कि कान में क्या कहना गहना वाना चोरी हो गया था, तो पता ना समस्या हल हुआ कि नहीं हुआ, हो ही गया होगा। और अभी यहाँ पर मोबाइल कोई चोरी हुआ था, इसीलिए मैं कभी भी घर में लाइट लगाने जाता हूँ तो किसी न किसी एक घर के बच्चे को पकड़ लेता हूँ साथ में, या किसी एक सदस्य को, क्योंकि थोड़ी थोड़ी बातों से कितना बात फैल सकता है, कहाँ कहाँ हम लोग जाते हैं काम करने। कितना अच्छी बात है, कितना अच्छा सोच है दोस्तों, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अभी देख सकते हैं आँख में कैसा नींद पड़ा हुआ है, रात भर सोए नहीं, जैसे सोते थे कभी मच्छर तो कभी कोई आके जगा देता था, कभी कुछ, समझ सकते हैं कितना होता है परेशानी। मेहनत तो कुछ ज़्यादा नहीं है, बस केवल जगने वाला जो मेहनत है वही होता है। तो चलिए काम कोई भी ख़राब नहीं होता है, अभी सोएंगे जाके। 2-3 दिन के बाद अब फिर नेक्स्ट आता है शादी का, जो दिखाएंगे आपको। तो चलिए दोस्तों आज की ब्लॉग कैसा लगा, आई एंड करेंगे वीडियो नगांती जी के साथ में ही तो अच्छा रहता है। चलिए अभी थोड़ा देर और आराम कर लेते हैं उनके साथ, अभी बाकी सारा काम हो ही गया। रूम पे हमारे टेंट मालिक आते हैं, अभी फ़ोन हो गया तो इस पर तब तक लोड कर लेते हैं सारा सामान। दोस्तों देख सकते हो अभी फाइनली नींद में चलते चलते आया हूँ। इधर देख सकते हो अभी आकाश कैसे लेटा हुआ है, देखिए इसके आई दोस्तों इसका आकाश के 6 किताब मिला है स्कूल में से, मिल गया। चलिए अभी नहा धोवा के मैं बोल रहा था कि चलूँ कि नहीं, वहाँ है अभी 5-6 आदमी, क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा ही जग जाता हूँ रात को, समझ सकते हैं। और बाकी वो लोग भी बहुत जगह है, तो चलिए कोई नहीं, कल वो लोग सामान उतार लेंगे। अब मैं चल रहा हूँ नहा धोकर फ्रेश होकर, फिर चलेंगे पैसा लाने, और उसके बाद उस पैसा से क्या क्या खरीदने वाले हैं। बहुत अच्छा दो रिचार्ज करा दीजिए, क्योंकि 2 दिन का टाइम है, 2 दिन अपने घरों में काम करना, नहीं तो 2 दिन के बाद फिर से आता है तो उधर उलझ जाएंगे। तो घर का जो भी काम है हमारा, मोटर लगाना और बिया वा गिराने वाला जो भी है, उसको सब 2 दिन के अंदर निपटा लेते हैं। तो चलिए दोस्तों अभी पहले नहा लेते हैं, क्योंकि आवाज़ भी सही से नहीं निकलेगा। चलिए दोस्तों फाइनली ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट में बिल्कुल जरूर बताइए कि कोई भी जो भी है एडिट करने वाले हैं यही, क्योंकि इसमें बहुत सारा काम करना है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना है। और मैं चलो नहा के सोऊंगा, और बाकी बोलिए, हाँ हाँ ना आप ही बोलिए।